हेल टू दी गाई एट DNS इंग्लिश चैनल। आज मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में डिटेल में बताने जा रहा हूँ, आपके जो वर्ड पावर किस तरह से इम्प्रूवमेंट होगा, इसके लिए मैं कुछ पावरफुल ट्रिक्स आपके सामने देने जा रहा हूँ। जो साइड है CIDE, इस शब्द का जो ये लैटिन डेरिवेटिव्स है, इसका अर्थ होता है किलिंग और द एक्ट ऑफ किलिंग समवन और किलर मर्डरर एंड सो दैट। तो जो यह लैटिन डेरिवेटिव्स है, इंग्लिश भाषा में यह सफिक्स बन के आ गया है जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। गाइज, हमने पहले भी बताया कि लाइक बिगेट्स लाइक, यह लैटिन डेरिवेटिव्स है, इसलिए इसका एमालगमेशन कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन जो लैटिन शब्द के साथ ही होगा, और इस तरह से हम हजारों पावरफुल वर्ड बना सकते हैं। जो हो सकता है कि ये वर्ड्स आपको डिक्शनरी में ना मिले, लेकिन घबराने डोंट बी एम्बेरेस्ड, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको अब आपको अच्छे ढंग से अंडरस्टैंड कराने जा रहा हूँ। जो फर्स्ट है एबॉर्टिसाइड, इसे दूसरा सिनोनिम से फीटिसाइड। अब एबॉर्टिसाइड क्या होता है, यह अगर जो 8 वीक्स का ह्यूमन जो बेबी हो और उसे हम उम्र में ही उसे हम मार देते हैं, जैसा देखते हैं कि लोग ऐसा करते हैं कि गर्ल बेबी चाइल्ड है तो उसे मार देते हैं, एबॉर्शन करा देते हैं, तो इसे हम हिंदी में भ्रूण हत्या बोलते हैं, एबॉर्टिसाइड इसे हम फीटिसाइड कहते हैं, और दूसरा स्पेलिंग FETICIDE है। तो गाइस, इसका जो फर्स्ट मीनिंग हुआ कि जो किसी जो वुमेन के उम्र में बच्चा डेवलप हो रहा है और उसे जो 8 वीक्स के लंपसप में उसे अगर उसकी हत्या कर दी जाती है, एबॉर्शन कर दिया जाता है, तो इस तरह का सिचुएशन एबॉर्टिसाइड है, इसे हम फीटिसाइड भी कहते हैं। नेक्स्ट है एमिसाइड, ये वर्ड आजकल बहुत ही पॉपुलर हो रहे हैं, चाहे आप टाइम्स इंडिया पर हो, द हिंदू पर हो, पायोनियर पर हो, या कोई सा भी है, तो इन शब्दों का प्रयोग बहुत देखने के लिए मिलता है। इसलिए मैं चाहता था कि आपका जो वोकैबुलरी किस तरह से इम्प्रूवमेंट हो, तो हमने काफ़ी साइंटिफिक और मैथमेटिकल अप्रोच आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। एमिसाइड, एमी प्लस साइड, हमने पहले भी बताया कि AM लैटिन डेरिवेटिव्स है, और साइड किलर हुआ, एक्सटर्मिनेशन। तो एमिसाइड एम इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ लव, यानी किसी फ्रेंड का जो हत्यारा है, द मर्डरर और किलर ऑफ फ्रेंड इज कॉल्ड एमिसाइड। अब अपनी किसी देव दोस्त के हत्यारा हो या उसे आपने जान से मार दी है, यू आर कॉल्ड एमिसाइड। आई टोटली डिटेस्ट फ्रॉम द एमिसाइड, जो मैं उन लोगों से नफरत करता हूँ जो एमिसाइड है, अपने फ्रेंड की जो हत्या कर देता है। तो क्लियर है गाइज, एमिसाइड जो एमिसाइड का जो सिचुएशन होता है, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को मार देता है, उसे हम एमिसाइड बोलते हैं। गाइज क्लियर है। नेक्स्ट है फेमिसाइड, द किलर और मर्डरर ऑफ ए वुमेन इज कॉल्ड फेमिसाइड। नेक्स्ट सिलीसाइड, FILICIDE, सिलीसाइड, टू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिलीसाइड, सिलीसाइड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिलीसाइड, सिलीसाइड ही जो द एक्ट ऑफ किलिंग है, किलर है, मर्डरर है, तो इस तरह का जो सिचुएशन है वह सिलीसाइड है। फ्रेट्रीसाइड, फ्रेट्रीसाइड क्या है, तो फ्रेट्रीसाइड फ्रेटर प्लस साइड, वन हु किल्स हिज ओन ब्रदर इज कॉल्ड फ्रेट्रीसाइड, द एक्ट ऑफ किलिंग और किलर और मर्डरर ऑफ वन्स ओन ब्रदर इज कॉल्ड फ्रेट्रीसाइड। नेक्स्ट है जेनोसाइड, जेनोसाइड क्या होता है कि हम देखते हैं कि द डेलिबरेट किलिंग और एक्सटर्मिनेशन रिगार्डिंग टू कल्चरल एंड रेशियल इज कॉल्ड जेनोसाइड, जो जानबूझकर डेलिबरेट
जो किलिंग है, ये किसी कल्चर का हो, किसी रेश का हो, तो नेशन वाइड इस तरह का जो सिचुएशन है वो जेनोसाइड होता है, जो काफ़ी संख्या में जो किसी रिलीजन हो, रेश हो, उसके आधार पर नरहत्या ही वह जेनोसाइड है एट ए ग्रेट लेवल। मैट्रिसाइड जो द किलर ऑफ वंस ऑन मदर, जो अपनी माँ का ही हत्यारा है, तो मातृहंता बोलते हैं इसे, या मातृहत्यारा भी बोलते हैं। तो किलिंग ऑफ वंस ऑन मदर इज कॉल्ड मैट्रिसाइड, या किलर भी होता है, द एक्ट ऑफ किलिंग भी होता है। नेक्स्ट है होमिसाइड, ऑन स्लॉटर ऑफ ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड होमिसाइड, किलर ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो एक आदमी दूसरे आदमी जब मार देता है तो वह जो सिचुएशन है वह होमिसाइड है। द किलर ऑफ ए मैन बाय अनदर मैन इज कॉल्ड होमिसाइड। हॉस्पिटिसाइड का क्या मतलब होता है, जब हम किसी गेस्ट को, या होस्ट ही क्यों नहीं हो, उसे दोस्ती करके जब हम उसे उसकी हत्या करते हैं, तो हम हॉस्पिटिसाइड कहलाते हैं। हॉस्पिटिसाइड, द करेक्ट साउंड इज हॉस्पिटिसाइड। तो गाइज क्लियर है, जो अपने मेहमान अतिथि का जो हत्यारा होता है, मर्डरर होता है, वह किलर होता है, हॉस्पिटिसाइड होता है। हॉस्टिसाइड ये जनरल है कि जो हर कोई हम देखते हैं कि अपने प्रतिद्वंदी है, उसको कंपिटिटेंट है, उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन यह मतलब है होस्टिसाइड द मर्डर और किलिंग ऑफ वंस एनिमी। अगर कोई अपने दुश्मन का हत्यारा है, कोई फो है या कोई, तो उसको मारने वाला है, तो वह होस्टिसाइड होता है, यानी अपने शत्रु का जो हत्यारा है, दुश्मन को जो निपटारा कर देता है, वह होस्टिसाइड है। इन्फेंटिसाइड कॉमन वर्ड है, द किलर और किलिंग एक्ट ऑफ बेबी और चाइल्ड। तो इन्फेंट जो छोटे छोटे बच्चों को मार देता है, जो एक्ट इस तरह की है, टेंडेंसी है मारने की, वह इन्फेंटिसाइड है। द किलर ऑफ इन्फेंट, टॉडलर और टाइनी टॉट्स और बेबी इज कॉल्ड इन्फेंटिसाइड। नेक्स्ट है मेरिसाइड, मेरिटिसाइड, MARITICIDE। नेक्स्ट वर्ड मेरिटिसाइड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेरिटिसाइड, द वुमेन हु किल्स हर ओन हस्बैंड इज कॉल्ड मेरिटिसाइड। वह वुमेन जो अपने ही जो पति का हत्यारा है या हत्या करती है, वही मेरिटिसाइड कहलाती है। तो मेरिटिसाइड, मेरिटी प्लस साइड, तो अपने हस्बैंड को मार देने वाली जो महिला है वह मेरिटिसाइड कहलाती है। नेक्स्ट है पैट्रिसाइड। तो पैट्रिसाइड बहुत ही क्लियर है, यह कॉमन यूज है। आजकल तो इस तरह की टेंडेंसी बढ़ती ही जा रही है, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, अपने जो उनकी जो डिमांड है बच्चों की पूरा नहीं हो पाता है, तो अपने माँ बाप को जो प्रॉपर्टी के लालच में वह मार देते हैं, तो पैट्रिसाइड होता है। द पैट्रिसाइड जो अपने फादर का हत्यारा है, वन हु इज किलर ऑफ वंस ओन फादर, जो अपने फादर का हत्यारा है वह पैट्रिसाइड होता है। क्लियर है गाइज। और नेक्स्ट है पेरिसाइड। तो थोड़ा सा लिटिल डिफरेंस है पैट्रिसाइड और पेरिसाइड। पेरिसाइड का मतलब होता है कि वन हु इज किलर ऑफ वंस ओन फादर और रिलेटिव टू फादर्स, अंकल हो, ठीक है, तो जो पिता या पिता से जो संबंधित जो रिश्ते हैं उनको जो मार देने वाला होता है वह जो पेरिसाइड कहलाता है। पेरेंटिसाइड यह स्पष्ट है, तो पेरेंटिसाइड होता है वन हु इज किलर और मर्डरर ऑफ वंस ओन पेरेंट, जो अपने माँ बाप का जो हत्यारा होता है वह पेरेंटिसाइड है। यह जो समय है काफ़ी कलयुग का चल रहा है, सब कुछ उल्टा ही हो रहा है, जो हम देख रहे हैं कि जो आजकल बहुत पेरेंटिसाइड मिलेंगे, जब न्यूज़पेपर आप खोलो तो धन के लालच, प्रॉपर्टी के लालच में, जो जमीन जायदाद के विवाद में, जो
सन होते हैं, बच्चे होते हैं, अपने माँ बाप को ही मार देते हैं। ठीक है, पेरेंटिसाइड है सोरोरीसाइड। सोरोरीसाइड द किलर ऑफ वंस ओन सिस्टर, अपने बहन का जो बहन का जो हत्यारा है वह सोरोरीसाइड कहलाता है। बी वेयर ऑफ सोरोरीसाइड, जो बहन की हत्यारा है उनसे सावधान हो जाओ, सोरोरीसाइड है। द पुलिस अरेस्टेड हिम इन द केस ऑफ सोरोरीसाइड, पुलिस ने सोरोरीसाइड केस में उसे अरेस्ट कर लिया। प्रोलीसाइड, प्रोलीसाइड है द किलर ऑफ वंस ओन चाइल्ड, जो अपने बच्चे का जो खुद हत्यारा होता है, अपने बच्चे का जो जान ले लेता है वह जो प्रोलीसाइड कहलाता है। प्रोलीसाइड हम देखते हैं कि जो डंकार्ड है, जो शॉट है, जो हम देखते हैं कि जो शराबी है वो क्या करता है, शराब की नशे में आकर के इतना इंटॉक्सिकेशन बढ़ता है, इनिब्रिएटेड होता है, वह मतलब अपने बच्चों को ही मार देता है। इस तरह की जो केसेज है काफ़ी देखने को आता है, मिला है। इस तरह के लोग मतलब जो क्या कहलाते हैं, प्रोलीसाइड। तो किलर ऑफ वंस ओन चाइल्ड बेबी इज कॉल्ड प्रोलीसाइड। तो प्रोलीसाइड आजकल ये टेंडेंसी हम देख रहे हैं कि माँ बाप जो कुछ ऐसे हैं जो बच्चों का जो नरिशमेंट नहीं कर पाते, उसका एक्सपेंडिचर बियर नहीं कर पाते, जो किसी तरह से जो रेस्पॉन्सिबल नहीं है, तो वह जो प्रोलीसाइड होता है अपने बच्चों को मार देते हैं, पॉइजन दे देते हैं। तो इस तरह का सिचुएशन गाइस प्रोलीसाइड है। सेनीसाइड, सेनीसाइड भी कॉमन वर्ड है आजकल, जो द किलर ऑफ द ओल्ड पर्सन, ओल्ड मैन इज कॉल्ड सेनीसाइड। जो सेनीसाइड क्या होता है, जो बड़े बुजुर्गों की जो हत्यारा है उसे हम क्या कहते हैं, सेनीसाइड। सुइसाइड क्या है, सुइसाइड कॉमन वर्ड है, जो इलिटरेट पीपल भी हैं, पर्सन भी है वो भी जानते हैं। किलिंग ऑफ वन सेल्फ, दिस इज द डेलिबरेट एंड कॉन्शियस एफर्ट ऑफ वन एनी पर्सन टू टेक द लाइफ वन। जो यह जो डेलिबरेट और कॉन्शियस एफर्ट होता है कि अपने जीवन खुद ले लेते हैं, जो सुइसाइड यह केस जो है काफी देखने को मिलता है। वेटिसाइड, VATICID, वेटिसाइड द किलर ऑफ प्रोफेट और ए पोएट, जो किसी पोएट है या प्रोफेट है उसका जो हत्यारा है वह वेटिसाइड कहलाता है। रेजिसाइड, रेजिसाइड क्या होता है, द किलर और मर्डरर ऑफ एसेसिनेटर ऑफ द किंग, जो किंग है, जो राजा का जो हत्यारा होता है वह रेजिसाइड होता है। इस जैसे हमने जूलियस सीजर में देखा कि जूलियस सीजर की हत्या हुई थी, तो जब जो मर्डर और एसेसिनेशन में अंतर है, जो मर्डर कॉमन पीपल की है और एसेसिनेशन जो बिग पर्सनालिटीज है, जो कोई किंग है, जो उनकी जो हत्या होती है वह एसेसिनेशन होता है। द एसेसिनेटर ऑफ द किंग इज कॉल्ड रेजिसाइड, जो राजा का हत्यारा होता है वह रेजिसाइड कहलाता है, जो किंग है। ठीक है, अब नेक्स्ट है निपोटिसाइड। निपोटिसाइड आप अपने किसी फेवरेट पर्सन की हत्या करते हैं तो वह नेपोटिसाइड कहलाता है। इस तरह से गाइस इस पर हजारों वर्ड हैं और मैं आपको कुछ देने जा रहा हूँ। अक्सोरीसाइड, अक्सोरीसाइड, जो अक्सोरीसाइड यह लैटिन वर्ड है, अक्सोरीसाइड का मतलब है अक्सोरी, इट इज रिलेटेड टू वाइफ और बेटर हाफ, अपनी पत्नी से रिलेटेड है। तो द किलर ऑफ वंस ओन वाइफ, ओन वाइफ इज कॉल्ड अक्सोरीसाइड, जो अपनी बीवी का खुद हत्यारा है, जो अपनी बीवी की जो हत्या कर देता है वह अक्सोरीसाइड कहलाता है। तो इस तरह से बहुत तरह के केसेज हैं। ब्राह्मणीसाइड, BRAHM, ब्राह्मणीसाइड, ब्राह्मणीसाइड जो
द किलर ऑफ और स्लॉटर ऑफ ब्राह्मीन इज कॉल्ड ब्राह्मणीसाइड, जो किसी ब्राह्मण का हत्या ब्राह्मीन का हत्यारा है, बी आर ए ब्राह्मीन एम आई एन आई सी आई डी, तो किसी जो ब्राह्मण का हत्यारा है ब्राह्मणीसाइड है। इस तरह से गाइस सैकड़ों है, रेटिसाइड है, रेटिसाइड होता है देखो कि कुछ एनिमल्स हैं इसे लोग मार देते हैं, जैसे कैनिसाइड है, द किलर ऑफ द डॉग इज कॉल्ड कैनिसाइड, ठीक है, द किलर ऑफ द रैट इज द रेटिसाइड, और इस तरह से बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो कुछ इंसेक्ट्स है जो हार्मफुल है हमारे जो क्रॉप्स के लिए, तो उसे हम मारते हैं, तो इंसेक्टिसाइड है, कीड़े मकोड़ा पेस्टिसाइड है, इस तरह से बहुत सारे वर्ड हैं जो आजकल यूज हो रहा है, जो हमारे कन्वर्सेशन में बातचीत में वो हमने आपको बताया कि साइड, इससे पहले भी हम मैंने आपको जो विभिन्न जो डिफरेंट टाइप ऑफ जो वेरियस टाइप ऑफ जो डेरिवेटिव्स है, जैसे फोबिया है, मैनिया है, हमने आपको उसके बारे में डिटेल में बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज पर आप मास्टरी कमांड कैसे कर सकते हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ऐसे साइट पर हम हजारों बना सकते हैं जो हमारे आजकल बोलचाल में जो यूज्ड हैं, उसको गाइज हमने बताया। आप हमारे वीडियो को बिगिनिंग टू एंड देखेंगे तभी आप लर्न करेंगे थोरोली एंड मेटिकुलसली आप जान पाएंगे, तो इसलिए आप हमारे जो चैनल को DNS इंग्लिश चैनल है आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज प्लीज सब्सक्राइब कर लो, वीडियो जो हमारी है लाइक करो और शेयर करो, ठीक है गाइज। जो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।